बिहार पहले से बीमार था, NDA की सरकार इसको स्वस्थ किया। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, जिससे हर विभाग, स्वास्थ्य विभाग हो या नगर विभाग हो, सब विभाग पूरी बीमार है। साहब मंत्री जी का मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार पर बड़ा हमला किया है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बिहार में अराजकता की सरकार है। वो यहीं पर नहीं रुके, जब मीडिया ने उसे शिक्षा मंत्री पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी जाँच होनी चाहिए, उनकी इलाज भी होनी चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, हम पहले आपको सुनवाते हैं फिर बताते हैं विस्तार से। महिला का सशक्तिकरण, नए संसद भवन में नया इतिहास लिखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। पूरा देश नमन करने को आदिशक्ति नमन करने के लिए प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कदम उठाया है और सभी लोग को इसका समर्थन करना चाहिए। बिहार में डेंगू के हर बरपाए हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग जो है सो खुद बीमार हो गया है, स्वास्थ्य मंत्री कुछ बोलने से बच रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार पहले से बीमार था, NDA की सरकार इसको स्वस्थ किया, करने का प्रयास किया, बहुत हद तक स्वस्थ हो गया था। फिर से राजद के साथ गलबहियाँ करने के बाद बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, जिससे हर विभाग, स्वास्थ्य विभाग हो या नगर विभाग हो, सब विभाग पूरी बीमार है, पूरी लूट की छूट है, व्यवस्था पर ध्यान नहीं है, जिसके कारण अराजकता का वातावरण है। शिक्षा 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 मंत्री राम भगवान आते हैं, पूरा आते हैं बच्चा, पूरा रामायण हो। शिक्षा मंत्री जी का मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, उसकी जाँच होनी चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार को आड़े हाथों ले लिया और साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि बिहार में अराजकता की सरकार है। यहीं पर शिक्षा मंत्री पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सुना जिस तरीके से शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, उसके बाद विजय सिन्हा ने उन पर चुटकी ली है और उन्हें साफ तौर पर कह दिया है कि मंत्री साहब का जो दिमागी स्थिति है वो ठीक नहीं है, की जांच होनी चाहिए, इनको बिहार सरकार जल्द से जल्द इलाज करवा ले। तो फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।